नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं और उनके विशेषांकों का वर्णन और प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण लेके आए हैं, आशा करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आप सभी ने आज का विषय तो अवश्य पढ़ ही लिया होगा। तो आज का विशेष जो आधारित है वह है महाराज जी के कई अनन्य भक्तों से संबंधित। महाराज जी को कहा जाता है कि महाराज जी के पास जो भी अपनी परेशानी, अपनी कोई दुविधा लेकर आता था, तो महाराज जी उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ समाधान उन्हें प्रदान करते थे। महाराज जी के बहुत से अनन्य भक्त हुए हैं जिन्होंने महाराज जी की पूजा अर्चना के साथ साथ महाराज जी से उनका सानिध्य तो पाया ही है, लेकिन महाराज जी के द्वारा उन्हें ख्यातिपूर्ण बनाने का पूरा श्रेय महाराज जी की जो अद्भुत लीलाएं हैं उसको जाता है। बहुत से अनन्य भक्तों ने अपने अनुभव महाराज जी से संबंधित साझा भी किए हैं, और महाराज जी के उन जो अद्भुत लीलाएं हैं उनका वर्णन आपको कई माध्यमों से मिल जाता ही होगा, क्योंकि कई सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें महाराज जी से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है, जिनको आप प्राप्त करके, उनका अध्ययन करके महाराज जी को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बात करते हैं आज के विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक एक ऐसी अद्भुत कथा से संबंधित है जो कि चिर परिचित आपके अवश्य होगी, और आज हम बात करने वाले हैं विनय चालीसा के विषय में भी। विनय चालीसा, आप सभी ने, लगभग सभी दर्शकों ने विनय चालीसा अवश्य उसका श्रवण किया होगा। बहुत ही पावन यह चालीसा है जो कि महाराज जी से संबंधित है, महाराज जी को अति प्रिय भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं विनय चालीसा के पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत कथा है जो कि आज आपको इस माध्यम से बताने वाले हैं, क्योंकि आज का विषय पूर्ण रूप से इसी पर आधारित है। आज का विषय कुछ इस प्रकार है कि महाराज जी के कुछ ऐसे अनन्य भक्त भी हुए हैं जिनको महाराज जी ने शुरुआत में उन पर अपना ध्यान उस तरीके से नहीं दिया जैसे दिया जाता है, लेकिन बाद में महाराज जी द्वारा उनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि पूरे विश्व भर में उनका नाम बहुत ही पावन माना जाता है। बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूँ श्री प्रभु दयाल शर्मा जी के विषय में। श्री प्रभु दयाल शर्मा जी जो कि विनय चालीसा के लेखक हैं, विनय चालीसा का जो श्रेय है वह पूर्ण रूप से श्री प्रभु दयाल शर्मा जी को जाता है। तो वैसे तो कैंची धाम आश्रम में आरती के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, गुरु वंदना आदि का पाठ किया जाता है। साथ ही विनय चालीसा का पाठ भी नीम करौली जी के सम्मान में, बाबा जी के सम्मान में किया जाता है। विनय चालीसा के विषय में बताया जाता है, जो कि आज का हमारा विषय है वह इसी बात पर आधारित है, आप यह समझ सकते हैं। कहा जाता है कि विनय चालीसा के रचयिता श्री प्रभु दयाल शर्मा जी ने विनय चालीसा रचना के तुरंत बाद नीम करौली बाबा जी को डाक के जरिए भेजी थी। जो विनय चालीसा का श्रवण आप करते हैं वह श्री प्रभु दयाल शर्मा जी ने जब पहली बार उसको लिखा था, अवतरित किया था, तो उन्होंने इसको लिखने के पश्चात महाराज जी को अपनी प्रथम जो कृति थी वह महाराज जी को ही प्रेषित कर दी डाक के द्वारा। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो विनय चालीसा वह डाक के द्वारा महाराज जी को भेज रहे हैं उसका एक रूप से महाराज जी उसको पूर्ण रूप से दरकिनार करने जा रहे थे। हुआ यूँ था कि जैसे ही महाराज जी को वह विनय चालीसा प्राप्त हुई तो बाबा जी ने पढ़ने के बाद उस कागज को फाड़ दिया था। यानी कि महाराज जी को जैसे ही वह प्राप्त हुई, महाराज जी ने उसे पढ़ा, पढ़ने के तुरंत बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद महाराज जी की कोई प्रतिक्रिया ना होने के पश्चात महाराज जी ने पहले तो उस पर ध्यान केंद्रित भी उस रूप से नहीं किया, और उसके पश्चात उस कागज को जिस पर वह विनय चालीसा लिखी हुई थी उसको बाकायदा फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। क्योंकि
इसका एक कारण यह भी था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि महाराज जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके भक्त या कोई भी जो महाराज जी के विषय में जानकारी रखता है वह उनको ईश्वर के समान दर्जा देकर उनकी पूजा करे। महाराज जी कभी भी इसके मत में नहीं रहे हैं, क्योंकि एक सच्चे संत का जो स्वभाव होता है वह कभी भी ऐसा नहीं होता कि वह अपने कोई या कभी भी कोई संत ऐसा नहीं चाहते कि उनको ईश्वर के समान दर्जा देकर पूजा जाए। तो ऐसे ही महाराज जी ने कभी नहीं चाहा कि उनकी पूजा अर्चना ईश्वर के समान रखकर की जाए। वो इसके भी पक्ष में नहीं थे कि कोई उनको पूजा अर्पित करे, कोई समर्पण करे, तो इस प्रकार से महाराज जी ने कभी नहीं सोचा था। तो इस प्रकार महाराज जी ने जब सोचा कि उनके ऊपर, क्योंकि इस कविता में आप देखेंगे बहुत बड़ा चढ़ाकर महाराज जी को उस समय ऐसा लगा कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं, ईश्वर के समान उनको दर्शाया गया है, तो इस प्रकार से महाराज जी ने वह कविता जिस कागज पर लिखी थी उसको फाड़कर फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या, अब देखिए इसमें भी महाराज जी की एक लीला है। महाराज जी ने जब उसको दरकिनार कर दिया, फाड़कर फेंक दिया, तो उसके पश्चात जो महाराज जी के अनन्य भक्त हुए हैं, बहुत से भक्तों ने उन जो टुकड़े थे कागज़ के, जो फाड़े हुए टुकड़े थे, उनको जोड़कर पुनः लिखा और उसको छपवाया, उसका प्रकाशन कराया। तब से ही विनय चालीसा, जो कि महाराज जी नीव करोरी बाबा जी के विषय में पूरी एक अद्भुत चालीसा के तौर पर लिखी गई है, उसकी महिमा का वर्णन इस तरीके से किया गया कि महाराज जी के लिए उसमें जो भी बातें लिखी हुई है वो इतना दर्शकों को पसंद आई, इतना उसका गुणगान लोगों ने किया कि पूरे विश्व भर में विनय चालीसा एक, आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी की चरित्र पर पूरी लिखी हुई है, उसी प्रकार से महाराज जी के लिए यह विनय चालीसा पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा के समान थी। पूरे विश्व में इनको इतनी ख्याति मिली। और विनय चालीसा आप सुनते ही होंगे, जो भी भक्तजन, जो भी दर्शक विनय चालीसा अभी तक नहीं सुन पाए हैं, आप अवश्य सुनिएगा, आपको पूर्ण रूप से एक अच्छी अनुभूति होगी, महाराज जी का आपको एक तरीके से समर्पण इसमें दिखेगा। तो यह थी विनय चालीसा के ऊपर श्री प्रभु दयाल शर्मा जी द्वारा जो निर्मित विनय चालीसा है उसका यह विशेषांक था। तो आज के विशेषांक से आप अवश्य समझ गए होंगे कि महाराज जी ने लीला स्वरूप में विनय चालीसा को एक तरह से दरकिनार तो कर दिया, लेकिन महाराज जी की उस लीला से श्री प्रभु दयाल शर्मा जी की इस जो सर्वश्रेष्ठ कृति, इसको हम कहेंगे, उसको विश्व भर में एक नई पहचान मिली, महाराज जी से इसको जोड़कर सदैव देखा जाने लगा। तो यह थी महाराज जी की महती कृपा। महाराज जी जिस पर नाराज भी होते हैं तो भी उन पर उसकी उतनी ही विशिष्ट कृपा रहती है जिससे, जैसे कि बाकी अन्य अनन्य भक्तों से उनका स्नेह रहता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखिएगा। तो आज के इस विशेषांक को यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।